हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो हमने जो यूपीपीसीएस के लिए 15 क्वेश्चन की ऑनलाइनर सीरीज शुरू की थी, उसका 35th पार्ट लेकर आए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। चीनी जनरल जिससे ने कनिष्क को हराया था, पान चाओ, वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, मौर्य और कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। ये राजवंश है, ये सिक्के की धात में है, ये इनको मिलान कर कुषाण स्वर्ण और ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन चांदी तांबा सिक्का एवं पोटी, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। सही सुमेलन करना है, गांधार कला, कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन फर्स्ट से, मिलिंद पन्हो, मिनांडर, तक्षशिला लेख, पतिक। अफगानिस्तान का पामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कलाशैली भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, गांधार मूर्तिकला। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है, सबसे पहले यूनानियों ने किया, फिर शकों ने किया, फिर कुषाण ने और उसके बाद हूनों ने। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस प्रथम। चालुक्य पल्लव राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र सात करने के लिए। ओके गाइस, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।